देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लाइकोलिसिस है। तो आपको एक चीज पता है कि रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है उस रेस्पायरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है किसमें, CO2 में, H2O में, और क्या बनता है ATP। तो अब ये जो ग्लूकोज डायरेक्ट है टूटता है CO2H2। ग्लूकोज पहले टूटता है पाइरूवेट एसिड में, फिर पाइरूवेट टूटता है आपका लैक्टिक एसिड में, फिर वो टूटता है इस प्रोसेस में। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीन स्टेप में टूट रहा है। तो जो ग्लूकोज टूट रहा है पाइरूवेट में, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये टूटता है इसमें, इसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि पूरा का पूरा तीन अलग अलग स्टेप पे, तीन अलग साइकिल में ग्लूकोज टूट रहा है। तो जो पहला स्टेप है ग्लूकोज का टूटना पाइरूवेट में, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जो आपका ग्लाइकोलिसिस वर्ड है, अगर आप ग्लाइकोलिटिक साइकिल देखें तो ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस लिसिस। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टूटना, यानी ग्लूकोज के अणु का टूटना क्या कहलाता है आपका, ग्लाइकोलिसिस। क्लियर हो गया। अभी ग्लाइकोलिसिस पहली साइकिल, आपके एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री के पेपर में दो साइकिल में से एक साइकिल हर साल 100% आती है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस चाहे क्रेब्स साइकिल। आपसे ग्लाइकोलिसिस बारे में पूछेगा, थोड़ा सा डेफिनेशन दीजिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाइरूविक एसिड, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहले डेफिनेशन दीजिए। इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन साइंटिस्ट थे, एमडे नेहरू पार्टनर। ठीक है ना, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने अपने अपने नाम इसको बिल खोजा था, इसलिए इनके नाम से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के नाम से ही पूछेगा। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलिसिस हो क्या रहा है, कि आपको मैं साइकिल जो बताने जा रहा हूँ ये सिंपल से एंगल है, लेकिन आपके पेपर में अगर आप अभी फार्मा कर रहे हैं तो आपको उस पेपर में इनका स्ट्रक्चर जरूर बनाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा और स्ट्रक्चर बनाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं इसको बनाने की, आप इसका भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, ग्लूकोज इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, फिर उसके 6वें नंबर पर फास्फेट ग्रुप लगा देंगे, ग्लूकोज पर हो जाएगा, फिर उसमें क्या करेंगे उसको आइसोमेरेज करेंगे। ठीक है, तो वो हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल ये साइकिल कैसे होती है इसको समझिएगा। देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइकिल याद कर लेंगे, कहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, कहां पे एटीपी बन रहा है या कहां पे एटीपी टूट रहा है, वो स्टेप जानना बहुत जरूरी होता है, और एंजाइम कैसे याद करेंगे उसके आपको जुगाड़ करें। ठीक है, आपको एंजाइम, ये दो चीज गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं तो आपके एंजाइम और एटीपी, एटीपी कहां पे बन रहा है ये गलत नहीं होना चाहिए, उसी से नंबर कट जाते हैं। अब देखो ध्यान समझो, पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। एक चीज जान लीजिएगा कि जब भी किसी में फास्फेट ग्रुप लगाते हैं, किसी मॉलिक्यूल में फास्फेट ग्रुप लगाते हैं तो वहां काइनेज एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम, काइनेज। ठीक है, और कहीं से फास्फेट ग्रुप निकालते हैं जहां पहले लगा था वहां से निकाल लो, वहां पर डिहाइड्रोजिनेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। ये दो ट्रिक याद करो, मैं आपको समझ पा रहा हूं कि कहीं पर अगर फास्फेट ग्रुप लगा रहे हैं तो वहां पर काइनेज लगेगा, और फास्फेट ग्रुप निकाल रहे हैं तो वहां पर डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो समझो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी कि ग्लूकोज के पास फास्फेट नहीं था लेकिन 6वें नंबर फास्फेट ग्रुप आ गया, यानी यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा, यहाँ पे एंजाइम को लगा काइनेज। अब जो एंजाइम के साथ एक खासियत और होती है कि एंजाइम के साथ जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसका भी नाम लिख दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ग्लूकोज को हेक्सोज भी बोलते हैं, तो इसको हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ काइनेज लिखेंगे तो गलत नहीं, लेकिन अगर आप इसके साथ लिखेंगे थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, इसको आप ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज लिख सकते हैं, ऊपर ग्लूकोज। अच्छा देखो भाई, आपको पता था कि एक एटीपी जब टूटता है एडीपी में तो एक आईपी फ्री होता है, भाई एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री हो रहा है यही जाकर जुड़ेगा, यानी जब भी हमको क्या करना होता है, कहीं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना होता है तो हमें एक एटीपी को तोड़ना भी होता है। एक एटीपी तोड़ते हैं, उसका एक फॉस्फेट निकालते हैं और जाकर वहां पे चिपका देते हैं, यानी जो यहां से एक एटीपी फॉस्फेट फ्री हुआ भाई वो एटीपी से बना एडीपी, एक फॉस्फेट फ्री हुआ कहां जाएगा, उस पर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो जो फंक्शन वही एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, बस ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, एक में डिहाइड ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप है, यहां एंजाइम करेगा आइसोमरेज। एंजाइम याद नहीं करना है, समझना है आइसोमरेज। अब इसको चाहो और अच्छा लिखना तो आप लिख सकते थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, यानी जो ऊपर लिखा उसी नाम लिख के हम इसको एंजाइम को बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ आइसोमरेज लिखो कोई दिक्कत नहीं।
अब ग्लूकोज वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, यानी फास्फेट यहां पर एक था 6 नंबर पे लगा था, अब यहां पर 1,6 बाई फास्फेट मतलब दो फास्फेट ग्रुप लग गया, एक पहले नंबर पे एक छठवें नंबर, यानी यहां भी एक फास्फेट ग्रुप आने के लिए हमको एक एडीपी तोड़ना पड़ेगा। एडीपी में जो फास्फेट निकलेगा उसको यहां जोड़ेंगे, यहां पे एंजाइम कौन लगेगा, हेक्सोकाइरिन, या इसको हम बोल सकते हैं फ्रक्टोकाइरिन, यहां पे हेक्सो इनके लिए ये भी हेक्सो ही होता है, इसको हम फ्रक्टोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज या फ्रक्टोज 6 फास्फेट काइनेज कुछ भी लिख सकते हैं, एंजाइम रटना नहीं है, समझना है ठीक है। और कहां एडीपी बन रहा है, अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट दो मॉलिक्यूल पे टूट गया, एक डीएचएपी में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका नाम होगा डीएचएपी का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा है ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जब एक बड़ा मॉलिक्यूल दो बड़े मॉलिक्यूल पे टूट रहा है, और किस पे टूट रहा है, एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है यहां हो गया एल्डोलेज, ठीक है, लेज लगता है टूटने के लिए, और टूट किस में रहा है, एल्डिहाइड में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोलेज। एंजाइम आपको नाम याद कैसे करना है, अब आगे कहानी समझते हैं, इसको छोड़ दो। अब ये जो ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट है ये टूट रहा है 1,3 फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर फास्फेट ग्रुप लगा था और इस वाले में कहीं फास्फेट ग्रुप दिख रहा है, फास्फोग्लिसरेट हो गया, यानी कि ये फास्फेट ग्रुप हमको हटाना है। तो हमने बताया कि जब फास्फेट को हटाओ क्या लगाते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, अब आप इसका नाम डायरेक्टली तो डिहाइड्रोजिनेज या लिख सकते हो ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, लिख सकते हो, एंजाइम आपके ऊपर है। अच्छा, जब भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है वहां पे एनएडीपी टूटता है, एनएडीपीएच क्या टूटता है, एनएडीपी टूटता है, एनएडीपीएच में इसका नाम आपने पढ़ा था कोएंजाइम्स में, पता है ना कोएंजाइम क्या होता है, एनएडीपीएच, निकोसिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट याद है, तो ये एनएडीपी टूटता है एनएडीपीएच, ये आपको याद करना है, लिख लिख के रखना है, एग्जाम 100% आता है ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब ये जो टूट गया 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से, ये टूट रहा है 3 फास्फोग्लिसरेट, देखो 1,3 बाई से 3 यानी एक फास्फेट ग्रुप निकल रहा, तो एक फास्फेट ग्रुप अभी वहां पे जुड़ रहा था, यहां पे निकल रहा था, तो जब जुड़ने के लिए एटीपी से एडीपी और निकलने के लिए एडीपी से एडीपी, अब यहां पे टूटेगा एडीपी से एटीपी, दो एडीपी से क्या बनेगा, दो एटीपी, यहां भी जाए बोले काइनेज लगेगी क्योंकि टूटने की बात हो रही है, तो इसको आप डायरेक्ट काइनेज लिख सकते हो या लिख सकते हो यहां पे 1,3 फास्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम का नाम रटना लोग रटते हैं भूल जाते हैं, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, एंजाइम रटना नहीं है, बस स्टेप देखो और इसको से लिखो, काइनेज क्वालिटी है, आप पूरा नाम कैसे लिख सकते हो, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, जब भी पेपर में बनाना ग्लाइकोलिसिस 3-4 किलो का यूज करना, इसको लिखने के लिए अलग, एंजाइम लिखने के लिए इसके लिए अलग, तीन चेयर पर यूज करेंगे तो समझ आ जाएगा कौन सा यहां पे क्या है, और खूबसूरत ये आता जरूर 100% आएगा। ये काइनेज हो गया, अब 3 फास्फोग्लिसरेट से बन रहा है 2 फास्फोग्लिसरेट, 3 से 2 यानी जो पोजीशन था क्या था फास्फेट ग्रुप का, वो तीसरे से कहां चला गया, दूसरे पे, तो ये भी एक तरह से क्या है, म्यूटेशन, कन्वर्जन होता है ना, म्यूटेशन आइसोमेरेशन, यहां म्यूटेशन लगेगा, बस सिंपल से क्या म्यूटेट, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप बदल के वहां चला। अब देखो 2 फास्फोग्लिसरेट से बन रहा है फास्फोइनाल पाइरेट, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो रहा है, फास्फोइनाल पाइरेट बन रहा है, यहाँ पे एंजाइम आएगा इनोलेज, याद रखिएगा। अब फास्फोइनाल पाइरेट से पाइरेट से, यानी यहाँ से फास्फो ग्रुप फिर से निकल गया, भाई फास्फो ग्रुप देखो हट के पाइरेट में चला, तो फास्फेट ग्रुप हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एडीपी बनाते हैं, एडीपी क्योंकि इस एडीपी ये एडीपी है, इसका फास्फेट पाएगा तो 2 से 3 हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे यहाँ 2 एडीपी से 3, और ये बन गया पाइरेट। ये बहुत सिंपल सा है, ग्लाइकोलिसिस आता ही आता है, याद रखिएगा। लेकिन दूसरी बात की बात कर रहा हूं कि ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना रहेगा। हम बात कर लेते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस की बायो एनर्जेटिक्स पूछी जाती है, इसको समझ लीजिए। बायो मतलब होता है कितना एटीपी बना और कितना एटीपी खर्चा, तो जैसे हम यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, किस स्टेप पे क्या हो रहा है, यहाँ एटीपी गेन लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉस, कितनी एटीपी हमको मिल रही है और कितनी एटीपी हमारी खर्चा हो रही है। अब देखो कहाँ कहाँ एटीपी का यूज है, पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप पे हम इसको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको इससे इससे, आप देखो पहला स्टेप, तो पहले स्टेप पे आप क्या देख रहे हैं कि एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी एटीपी खर्च हो रही है, कितनी, यहाँ पे एक एटीपी जो है लॉस हो रही है, यानी हम इसको -1 कर देंगे, हमको एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो रही है। दूसरे स्टेप पे आ जाओ, दूसरे स्टेप पे फिर एटीपी से बन रहा है, मिल रही है, खर्च हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब तीसरे स्टेप पे कोई एटीपी खर्चा नहीं, चौथे स्टेप पे हाँ,
चौथे स्टेप में आप ये चीज याद रखो कि जब भी एक एनएडीपी मॉलिक्यूल एक एनएडीपीएस में टूटता है तो तीन एटीपी मिलती है। ये याद रखिएगा कि जब भी एक एनएडीपीएस से एनएडीपी बनेगा तीन एटीपी, एफएटी बनेगा तो दो एटीपी, तो भी आपको याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप में एनएडीपी से एनएडीपीएस यानी दो है तो एक से तीन, तीन दुनी छह, यहाँ पे प्लस सिक्स एटीपी गेन हो रहा है, जैसा होना है कि होना है। तो एक एनएडीपी मॉलिक्यूल जब एनएडीपीएस टूटता है तो तीन एटीपी देता है, यहाँ दो है दो देखो पांचवें स्टेप क्या है, ये पांचवा स्टेप यहाँ पे दो एटीपी से दो एटीपी बन रहा है यानी हमको दो एटीपी मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया प्लस टू। पांचवें पद छठे पूछ लेंगे सातवें पद, सातवें स्टेप पे देखो फिर सबको दो एटीपी क्या है देखिए। अब इसमें पूछता है कि टोटल कितने एटीपी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन दो तरह पूछता है कंप्यूटर एग्जाम में आप तैयारी करोगे, इसमें पूछेगा कितने एटीपी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं देखो छह दो आठ दो दस और दो बारह, बारह एटीपी इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब चाहे बन रहे हैं चाहे टूट रहे हैं बारह। अच्छा हम बात करें यहाँ पे नेट गेन की कि नेट गेन कितने एटीपी हमको मिल रहे हैं, तो देखो छह दो आठ दो दस, दस एटीपी बने और दो एटीपी क्या हुए खर्च हुए, टोटल कितना हो गया यानी कुल। अब देखो इसमें तीन तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम से, आपसे पूछेगा नहीं, पहले पूछेगा कितने एटीपी इन्वॉल्व हुए बारह, कितने एटीपी बने तो बने वाले दस, और कितने नेट गेन हुए यानी पूरा कितना मिला खर्चा वर्चा जोड़ के, तो दस बने तो दो घट गए कितने बचे। ये है एनर्जेटिक्स, ये बहुत कम लोगों को समझ आती है एनर्जेटिक्स कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तेरे एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल जब भी होती है तो कुल 12 एटीपी इन्वॉल्व होते हैं, 10 बनते हैं दो खर्च होते हैं, यानी कुल हमको 8 एटीपी मिलता है एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, एक ग्लाइकोलिसिस समझ आ गया। ये पूरा ग्लाइकोलिसिस आपको लिखना है ठीक है।